एक ही समुदाय के दो पक्षों में हुए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने दी है। वहीं पुलिस की ओर से कार्यवाही करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना रजपुरा एवं कस्बा राजपुरा में मस्जिद के नीचे बनी किराए की दुकान को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में हुए मारपीट के दौरान सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लाठी डंडों से एक दूसरे को मारते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची थाना रजपुरा पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं मारपीट में खूनी संघर्ष के दौरान कई लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां इलाज जारी है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने जानकारी दी है। थाना रजपुरा के अंतर्गत कस्बा रजपुरा से एक वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार से था, दो पक्ष जो दोनों ही मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मस्जिद के नीचे बनी हुई दुकानों के किराए को लेकर दोनों पक्षों में कल संघर्ष हो गया, जिसमें आपस में मारपीट हुई। एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें एक व्यक्ति कुछ लोगों को लाठी से भी मार रहा है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस की तरफ से एक मुकदमा धारा 147, 149, 7 CLA एक्ट व अन्य सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया, तथा पिटने वाले व्यक्ति की तरफ से धारा 307 का एक अतिरिक्त मुकदमा जो वीडियो में पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके विरुद्ध कराया गया। इसमें स्पष्ट करना है कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंदता का मामला न होते हुए केवल दुकानों के किराए के बारे में झगड़ा था। इसमें तत्काल रूप से प्रभावी कार्रवाई करते हुए रजपुरा थाने की पुलिस के द्वारा 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको 307 की धाराओं में माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसमें मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है, इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और पूरी तरह से चौकसी की जा रही है।